क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस शोन इन द फिगर 13.10। ठीक है, अब देखिए ट्रेपीजियम जो शेप होता है, ये शेप होता है, इसके अंदर कितनी जगह है ये पूछा गया है। दो मेथड है करने के, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, फिर उनको ख़त्म कर दिया। तो ट्रेपीजियम का मतलब होता है इस तरह का शेप, एक रेक्टेंगल जिसमें हो और एक ट्रायंगल 90 डिग्री वाला हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन दोनों को कंबाइंड करके जो बनता है ये शेप पूरा ट्रेपीजियम कहलाता है। तो इसका एरिया निकालना है यानी अंदर की जगह। तो या तो आपको फॉर्मूला याद हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है इनको सम करो जोड़ो, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये, या तो कुछ भी को मैं हाइट लिखा होता है, हाइट लिखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे दोनों के बीच की दूरी। ठीक, आपको इसकी साइड पता है, इसकी साइड पता है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पता है। ठीक, तो आपको दो टुकड़ों में सवाल को करना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। आपने सवाल देखा, आपने फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी दो जो साइड पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब जैसे ये लाइन लेटी लेटी पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है, या खड़ी खड़ी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, एक बड़ी छोटी हो सकती है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट, दोनों के बीच की दूरी या हाइट। तो 1/2 लिखा, सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए पैरेलल साइड पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, इनका सम करें, पहली साइड यूलो 10 दिए, दूसरी साइड यूलो 4, तो आपने 10+4 सम माने होता है जोड़ना, 10+4 किया, डिस्टेंस बिटवीन देम दोनों के बीच की दूरी ये हमें दी नहीं है। अच्छा, ये जितने होगा उतना ही ये होगा, ये दोनों बराबर होंगे, दिख रही है रेक्टेंगल है ये नीचे है ना, ये बराबर, ये बराबर, इतना हिस्से में, तो ये 4 थी। अब इसको करेंगे कैसे, ये 4 है तो ये 4 यहाँ तक की, अच्छा ये पूरी 10 थी, 4 निकल गए, ये कितना बचा, 6, यहाँ से यहाँ तक की 6 बचा, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, इसकी मदद से हम ये निकालेंगे नीचे वाला बेस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल को अलग कर लिए, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिएगा, देखिए आपने ट्रायंगल वाला जो ट्रायंगल है उसको अलग कर लिया, इतना हिस्सा आपने यहाँ पर बना लिया, जिसमें ये 6 है, ये हाइपोटेन्यूस 10 है, बेस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² = p² + b² याद होना चाहिए, कोई भी ट्रायंगल में इनमें से कोई चीज़ निकालनी होती है कोई एक साइड, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, h² = b² यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 10 दिया, 10 का स्क्वायर पी का स्क्वायर 6 वैल्यू 6 का स्क्वायर 20 का, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 20 स्क्वायर निकालना है, 36 इधर गया, इक्वल टू इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 36 है ना, 100 में 36 का 64 बचा, 20² = 64, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा 64 के ऊपर, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, अगर नहीं याद है 8 से 64 होता है ना, नहीं निकाल याद है आपको स्क्वायर रूट, तो आप 64 का ऐसे फैक्टर कर लिए, 2 3 6 2 2 4 2 16 30 2 8 16 2 2 4 8 2 2 4 2 1 2 1 1 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 2 4 2 8 है ना। अब बेस आपको 8 मिल गया, तो आपने यहाँ पे 8 बेस लग दिया। अच्छा, ये जितना है उतना ही ये है, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता चल गई, तो आपने फॉर्मूला क्या, 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, यहाँ पे 8 रख दिया, फिर इसको सॉल्व किया फर्दर, 2 7 14 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, इसमें स्क्वायर लगता है, क्लियर हो गई बात, पूरा सवाल फिर से देखिएगा, वीडियो समझ में आएंगे।